देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या जो याददाश्त है, हमारी मेमोरी स्किल्स है, जो बच्चों, स्टूडेंट्स, बड़ों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्या वो बचपन से ही तेज़ होती है या बाद में भी बढ़ सकती है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो बचपन से ही यार भूल जाता हूँ, मेरा तो ऐसा ही है, मेरी याददाश्त तो ऐसी ही है। तो चलिए इस मिथ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। शेयरिंग विद यू चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो चार चीज़ें जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, क्योंकि जो नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कई लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, कईयों की तेज़ होती है, कईयों की अच्छी नहीं होती, कईयों की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। ये आपका जेनेटिक्स का मामला है। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जेनेटिक्स में आपकी याददाश्त की जो स्किल्स की जो जीन्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद क्या ये जीन्स चेंज हो सकती हैं कि नहीं है, इसमें मैं ये आंसर देना चाहूँगा, डेफिनेटली कोई भी पर्सन है वो अपनी याददाश्त को इम्प्रूव कर सकता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों की याददाश्त वीक है या कमज़ोर है, चाहे वो समझते हैं कि मेरी याददाश्त अच्छी तरह वर्क नहीं करती है, वो लोग थोड़े इग्नोरेंट ज़रूर होते हैं। वो लोगों को ध्यान से नहीं सुनते हैं और उनको अच्छी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये एक फैक्टर भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो चलिए, अब पहले बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद करेंगे हमने क्या क्या नहीं करना चाहिए ताकि याददाश्त हमारी ठीक रहे। देखिए, सबसे पहले ईटिंग्स की बात करते हैं। देखिए, दिमाग कैसे चलता है, दिमाग का न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, कैल्शियम सब कुछ दिमाग को चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंगली, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली वो वर्क कर पाता है। तो देखिए, बेसिकली क्या, देखिए दूध हमेशा पीजिए, एक गिलास कम से कम 2 गिलास पी सकते हैं। बादाम और अखरोट हैं जो, शाम को पानी में भिगो दीजिए, सुबह बादाम का छिलका निकालिए, उसको दूध के साथ आप ले सकते हैं। ये रूटीन में भी कर सकते हैं और अल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं। पानी 8 से 9 गिलास पिए। जो आपकी मेडिटेशन है वो 15 से 20 मिनट 2 दिन और सुबह और शाम कीजिए। अपने खाने में काली मिर्च, ध्यान से समझिएगा, काली मिर्च को यूज़ कीजिए, खसखस का उपयोग जरूर कीजिए और एक त्रिफला चूर्ण होता है इसका उपयोग करना मत भूलिए। इसमें हमने वीडियो बना रखा है कि कैसे आपने इसको पानी के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा चूर्ण होता है और याददाश्त के लिए बहुत ही लाभकारी। देखिए, कोशिश आपने ये करनी है कि जो आप काम कर रहे हैं सुबह से दोपहर तक, आपने 15 मिनट बैठकर आपने ये सोचने कि आपने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किससे क्या क्या बात की, उसमें क्या क्या गलतियाँ थी, क्या क्या उन्होंने कहा, क्या क्या आपने कहा, बारीकियाँ पकड़ने की कोशिश कीजिए। और फिर दोपहर से लेकर रात तक, जब आप रात को सोते हैं उससे 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, जब आपकी हैवी नींद हो जाती है, तब आपने यही सेम एक्सरसाइज करनी है। क्या करना है, जो जो आपके साथ हुआ है दोपहर से लेकर रात तक, उसको मिन्यूटली आपने कोशिश करना है सोचने की। प्रैक्टिस कीजिए 21 दिन तक, कोई भी जो हैबिट है आपकी, अगर आप उसको 21 डेज तक मेंटेन करेंगे, कोई नई आदत डालना चाह रहे हैं आप, तो आप नई आदत को 21 दिन तक, मान के चलिए आप सुबह नहीं उठ सकते, आप 21 दिन तक कोशिश कीजिए, अलार्म लगा के मजबूरी में उठ जाइए। 22वें दिन आपका जो रिलैक्सेशन होगा वो काफ़ी होगा, माइंड को इतनी एफर्ट नहीं लगेगी उस पर्टिकुलर हैबिट को एक्सेप्ट करने में। ऐसे ही अगर आप, कोई बुरी आदत है, आप गालियाँ देते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, या आप किसी को मारते हैं, या आप कुछ खाते पीते हैं ऐसा, तो 21 दिन तक कोशिश कीजिए उसको अवॉइड करने की। आफ्टर 22 डेज आपकी जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल आपको नज़र आने लगेंगी, माइंड उसको, माइंड बॉडी आपका उसको एक्सेप्ट कर चुका होगा, तब आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा कि ये आदत आप छोड़ नहीं सकते हो। देखिए, अब नेक्स्ट टिप मैं बताने जा रहा हूँ, ऑटो सुजेशंस। किसी भी चीज़ को अगर आप अडोप्ट करना चाह रहे हैं या आप उसको क्विट करना चाह रहे हैं, तो ऑटो सुजेशंस बहुत बड़ी हेल्प करता है। देखिए, इस थ्योरी में क्या होता है, आप मेंटली अपने आप को थॉट्स देते हो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, 3 टाइम, और इसको रेपिटेडली आप 21 डेज तक करते रहो, दिन में 5-10 बारी करते रहो, आप इसको बोल के भी, लाउड बोल के भी करते हो, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आपने किसी चीज़ को क्विट करना है, तो उसको भी आप कह सकते हो कि मैं इस चीज़ को क्विट कर सकता हूँ,
क्विट कर सकता हूँ और क्विट कर सकता हूँ। आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो उस पर आप पूरा ट्रस्ट करते होने चाहिए, तभी ये ऑटो सजेशंस की जो थ्योरी है वो आपको वर्क करती है। देखिए अब ध्यान से क्लियरली समझिएगा, हमारी जो मेमोरी है आँखों से हम जितना ज़्यादा कैप्चर करते हैं 85% हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है। हमारी जो फाइव सेंसेस हैं आँख नाक कान मुंह जीभ, ये सभी इसीलिए बनाए गए हैं मेमोरी में सेव करने के लिए। आँखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप कोई वर्क करना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उसकी एक डायग्राम बना लीजिए। वो डायग्राम में आप मीनिंग निकालिए कि आप मान के चलिए आप डॉक्टर नर्स इंजीनियर्स टीचर्स कुछ भी बनना चाह रहे हैं, या आप आदत डालना चाह रहे हैं कि आप 10 घंटे पढ़ें, तो आप कोई ऐसी डायग्राम बनाइए जिसमें आप खुद को 10 घंटे सिटिंग पोजीशन में और पढ़ते हुए रख पाएं। तो ये एक और आप उसको देखिए 5 मिनट, उस पिक्चर को उस इमेज को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अपनी पिक्चर भी उसमें लगा के साथ में ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये जब आप देखेंगे आपकी मेमोरी उसको एक्सेप्ट करेगी, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और इस चीज़ को आप रूटीन में और कंसिस्टेंट, सिर्फ 5 मिनट तो लगते हैं यार, उसको करने की कोशिश कीजिए एंड यू विल सी द रिज़ल्ट के जो आप चाह रहे हो, जो हैबिट आप अडॉप्ट करना चाह रहे हो और जो हैबिट्स आप क्विट करना चाह रहे हो, दोनों पे ये फॉर्मूलेज काम करेंगे। बस बात ये है कि आप कंसिस्टेंटली रूटीन में इस पर वर्क करो। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप ये इमेजिन कीजिए, देखिए शास्त्रों में लिखा है दृष्टि और दृष्टा भी। आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, मान के चलो आप बिल्डिंग देख रहे हो, तो आप दृष्टि, आप कोई मैच देख रहे हो, आपकी आंखें देख रही हैं, वो दृष्टि है। देख कौन रहा है, आपका मन आत्मा वो अनुभव ले रहे हैं, वो दृष्टा है। तो कोशिश करें किसी भी हैबिट को चेंज करने में या अडोप्ट करने में, ठीक है, कि आप दृष्टा हैं, आप एक अलग व्यक्ति हैं। उससे क्या होगा, आपका उस चीज़ के साथ मोह, मतलब मान के आप सुबह नहीं उठ सकते तो कौन नहीं उठ सकता, आपकी बॉडी नहीं उठ सकती, आपका मन नहीं उठ सकता, बट आपका सोल डिफरेंट है। आप दृष्टा बनने की कोशिश कीजिए, उससे इमोशंस कम होती हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी बढ़ती है और आपके एनालिसिस पावर और जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है उसकी ग्रोथ होती है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो ये करके भी आप अपनी आदत को अडोप्ट और क्विट कर सकते हो।